लसुड़िया क्षेत्र निवासी दुष्कर्म पीड़िता ने थाने में आरोपी पवन सांगिया निवासी नंदानगर के विरुद्ध शादी का झांसा देकर पीड़िता को गर्भवती करने को लेकर प्रकरण दर्ज किया, जो कि आरोपी पीड़िता को कई बार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर चुका था, जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई। जैसे ही पीड़िता को जुलाई में पता चला कि 6 सप्ताह का गर्भ ठहर गया, तो उसने तुरंत आरोपी से शादी को लेकर कहा, लेकिन आरोपी ने बात को टालते हुए धीरे धीरे पीड़िता से संबंध तोड़ लिए, जिसको लेकर पीड़िता ने थाना लसुड़िया में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पीड़िता ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में फाइल और वीडियो के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की और कोर्ट से मांग की है कि मेरे पेट में पल रहा 6 सप्ताह का गर्भ तत्कालीन समय पर वह दुष्कर्म से आधारित हुआ है और इसे जन्म दूंगी तो यह अवैध संतान होगी, जिसको लेकर समाज में हर कदम पर मुझे तरह तरह के सवालों के जवाबों से गुजरना पड़ेगा, साथ ही इस बच्चे के कारण मेरी भावी शादी पर भी खतरा होगा। इन सभी बातों को लेकर बच्चे का गर्भ गिराने की अनुमति दी जाए। वहीं कोर्ट में लगाई गई याचिका के तर्क और बिंदुओं के आधार पर कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड सुप्रीटेंडेंट अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा है कि 5 विशेषज्ञों की बोर्ड समिति गठित की जाए और उस बोर्ड में एक महिला गायनोलॉजिस्ट को भी शामिल किया जाए, जिससे पीड़िता का मेडिकल जांच से पता चल सके कि पीड़िता टर्मिनेशन के लिए जीवन सुरक्षित है या नहीं। पूरी याचिका के तर्क को सुनते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ने इस अंतर्गत मेडिकल अधीक्षक इंदौर को पीड़िता के 6 सप्ताह के गर्भ को समापन के लिए हर संभव व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के भ्रूण के डीएनए को दर्ज कराए गए अपराध में महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए मेडिकल कॉलेज को डीएनए के संरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये लसुड़िया क्षेत्र की पीड़िता निवासी है। इसने थाना लसुड़िया में आरोपी पवन पिता केला सांगिया निवासी नंदनगर के विरुद्ध दुष्कर्म का शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना और उसको गर्भवती करने की धाराओं के अंदर FIR दर्ज कराई थी। इस दौरान पीड़िता को पता चला कि पीड़िता के साथ जो आरोपी पवन ने दुष्कर्म किया उससे उसको 6 सप्ताह का गर्भ ठहर गया है, जिसके बाद पीड़िता ने इंदौर हाईकोर्ट बेंच के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अर्ली लिविंग के माध्यम से एक याचिका हमारे माध्यम से प्रस्तुत करते हुए निवेदन करा था कि चूंकि उक्त गर्भ उसके पेट में जो पल रहा है वो दुष्कर्म से है और अगर उसको जन्म दिया जाता है तो अवैध बच्चा कहलाया जाएगा और समाज में पल पल कदम कदम पर उसको कई सवालों के जवाब देना पड़ेगा और उसका भावी वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर उस बच्चे को नहीं चाहती और इस बच्चे को वो टर्मिनेट करना चाहती है, इसको लेकर याचिका पीड़िता के द्वारा लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड MY हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का बोला था, जिसमें 5 सदस्य रहेंगे और एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट रहेगी। इन सब चीज़ों को लेकर पीड़िता का वो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे और ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि पीड़िता का प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना सेफ है कि नहीं, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता का एग्जामिनेशन करा कोर्ट में पेश करी। इन सब चीज़ों को मेडिकल रिपोर्ट की बोर्ड को देखने के बाद में हमारे तर्कों को सुनने के पश्चात इसके अंदर इंदौर हाईकोर्ट बेंच के अंतर्गत इन्होंने पीड़िता की इस मांग को स्वीकार करते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ MY हॉस्पिटल को डायरेक्शन दिए कि वो पीड़िता के गर्भ के समापन को लेकर हर संभव व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए, साथ में पीड़िता को मेडिकल के सामने उपस्थित रहने के निर्देश दिए और साथ में ही ये पीड़िता का चूंकि जीवन का खतरा बना हुआ है गर्भ समापन को लेकर तो लसुड़िया थाने के पुलिस के साथ अनुसंधान अधिकारी के साथ एस्कॉर्ट के रूप में पहरे के अंदर जाएंगी और ये लोग पीड़िता इसमें मेडिकल जो बोर्ड है वो पीड़िता का गर्भ समापन करेंगे, साथ में जो पीड़िता का फीटस होता है गर्भ जो भ्रूण का जो DNA उसको वो मेडिकल कॉलेज सुरक्षित रखेगा ताकि भविष्य में रेप का जो पीड़िता केस चल रहा है उसमें वो महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में वो फीटस DNA काम में आए। इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट ने पीड़िता को 11 सप्ताह के गर्भ के समापन को लेकर मेडिकल कॉलेज इंदौर के सुपरिटेंडेंट को अधीक्षक महोदय को पीड़िता का टर्मिनेशन को लेकर अनुमति प्रदान करी। कृष्ण कुमार कुन्हारे, टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।